हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सभी ठीक होंगे। इस पैंडामिक में सोशल डिस्टेंसिंग जरूर रखिए। फ्रेंड्स, मैं आज मोगरा के बारे में बात करने वाली हूँ। मोगरा प्लांट ऐसा है जो बहुत ही खुशबू देता है, सुगंधित होता है और हम इसके फूलों को भगवान को भी अर्पण करते हैं। ये ऑलमोस्ट सभी के गार्डन में टेरेस पर ज़रूर होगा, क्योंकि ये सबका एक प्रिय पौधा है और हर मौसम में ये सर्वाइव कर जाता है। हर एक जलवायु में भी ये सर्वाइव कर जाता है। तो ऐसा हम क्या करें जिससे इसमें सैकड़ों फ्लावर आना शुरू कर दें? तो फ्रेंड्स, अभी मानसून नहीं आया, अभी मंथ ऑफ जून का महीना चल रहा है, तो इसे हम कटिंग से भी लगाना सीखेंगे और घर की बनी हुई खाद ही देंगे। और इसके कीड़ों को हम किस तरह से हटा सकते हैं? पहले हम मिट्टी तैयार करते हैं, उसके लिए मैंने लगभग 50 ग्राम नीम खली ली है, 50 ग्राम ही मैं पोटास ले रही हूँ और 50 ग्राम ही जिंक ले रही हूँ। ये हेल्दी न्यूट्रिशन होते हैं और ज़रूरी होते हैं। पहले ही हम मिट्टी बनाए तैयार करें तो उसमें हम डाल सकते हैं। तो मैंने लगभग 40% इसमें कोकोपीट डाला है, 30% सॉइल डाला है, 20% खाद डाली है और 10% नदी का रेत डाला है। और 4 पॉट के लिए मिट्टी मेरी तैयार हो चुकी है। तो फ्रेंड्स, इस तरह से आप हर गमले के लिए, हर पौधे के लिए मिट्टी तैयार कर सकते हैं। अब मैं आपको बता रही हूँ कि मोगरा को हम कटिंग से कैसे ग्रो कर सकते हैं। तो आप मोगरा के प्लांट से ही उसमें से आप थोड़ी सी मोटी डंडी को आप काट सकते हैं, कटिंग ले सकते हैं, जिससे क्या होगा कि हम उसको अच्छे से लगा सकें। तो डंडी जो उसकी होनी चाहिए वो थोड़ी थिक होनी चाहिए। और नीचे से हम इसे देखेंगे, थोड़ा सा देखिए ये इसकी स्किन निकल गई है, तो ये बेस्ट है। अगर ना निकले तो आप चाकू से, नाइफ्स के थ्रू इसको छील सकते हैं, लेकिन ये ऑलरेडी छील चुका है क्योंकि मैंने इसे ऐसे काटा। अब मैं इसे एक पॉट में ट्रांसफ़र कर दूंगी। बस इसको ज़्यादा, इसकी मिट्टी को मुझे ज़्यादा गीला नहीं रखना, नॉर्मली रखना है और धूप में रखना है हर वक्त, ताकि ये जड़ें अच्छे से पकड़ सकें। तो फ्रेंड्स, इसी तरह मैंने कई मोगरा के प्लांट अपने गार्डन में लगाए हैं। तो उनमें से देखिए एक प्लांट ये है, ये सिर्फ 30 डेज का रिजल्ट होता है, जिसमें देखिए इसकी लीव्स कितनी बड़ी बड़ी हो गई हैं और छोटे से प्लांट में ही फ्लावरिंग होना शुरू हो गई है। ये फ्रेंड्स पौधा ऐसा है जिसको ज़्यादा केयर की ज़रूरत नहीं पड़ती। बस हर 20 दिन में आप इसकी मिट्टी को मूव करते रहें, गुड़हल करते रहें, ताकि ऑक्सीजन अच्छी मात्रा में जा सके और ये तेज़ी से ग्रो कर सके। तो मेरे पास कई प्लांट्स हैं, मैं ऐसा ही करती हूँ। तो इस तरह से आप बहुत सारे मोगरा के प्लांट्स अपने गार्डन में लगा सकते हैं। बस मैं ज़्यादा नहीं करती, गोबर की खाद जो होती है, गोबर होता है, उसको 3 या 4 दिन के लिए भिगोकर रखती हूँ, जिससे उसके अंदर ह्यूमिक एसिड बन जाता है, जिससे पौधा और फ्लावरिंग तेज़ी से होती है। बस आपको 20 ml थोड़ी ही क्वांटिटी में डालना होता है। आप चाहें तो इसे 1 लीटर पानी में डालकर भी दे सकते हैं, ईजिली हर एक पौधे को दीजिए। अब मैं पेस्टिसाइड बना रही हूँ। मैंने 1 लीटर पानी लिया है, यानी 1000 ml लिया है पानी, और इसमें मैंने नीम ऑयल लिया है जो आपको ऑनलाइन मिल जाएगा या नर्सरी की शॉप से मिल जाएगा। ये इंसेक्ट किलर होता है, जितने भी प्लांट्स में फंगस होते हैं, स्पाइडर माइट्स होते हैं, वो सब मर जाते हैं। ये पत्तियों को नुकसान नहीं देता, ये ऑर्गेनिक होता है, लेकिन इसे हमेशा बच्चों से दूर रखें और यूज़ करने से पहले अच्छे से हिला लें, मूव कर लें। केवल 20 ml ही मैं दूंगी 1 लीटर पानी में, इतनी मेजरमेंट आप ध्यान रखें। ऐसे ही आपको हर प्लांट को स्प्रे करना है। तो ये जो दवाई होती है ये ऑर्गेनिक होती है, ये आप घर पर भी बना सकते हैं। मेरे आप लिंक पर जाकर देखें कि किस तरीके से मैंने नीम का पेस्टिसाइड बनाया हुआ है। ये एक अच्छी मेडिसिन होती है इंसेक्ट को, कीड़ों को मारने की, जो पौधों पर लग जाते हैं। कई बार लीव्स हमारी मुड़ जाती है, ये उसको भी सही कर देता है। ये बहुत अच्छी मेडिसिन होती है, आप ऑनलाइन मंगा लीजिए या आप नर्सरी से ले लीजिए। तो ये तैयार है। तो इसी तरह से मैं सभी पौधों को पेस्टिसाइड करती हूँ अपने। तो मोगरा के प्लांट्स में मेरे सैकड़ों फ्लावर्स आना शुरू हो जाते हैं जब मैं इसकी अच्छे से केयर करती हूँ, इसमें ये दवाई स्प्रे करती हूँ। फ्रेंड्स, मैंने आपको नीम ऑयल का रेट नहीं बताया। ये 150 rupees की बोतल होती है और ये कई बार में यूज़ हो जाती है, क्योंकि इसकी क्वांटिटी हमें कम देनी होती है। बस आप स्प्रे करिए अपने प्लांट्स के लीव्स पर और फ्लावरिंग पर, उसे बचाइए इन कीड़ों से, इंसेक्ट से, क्योंकि ये हमारे पौधों को नुकसान पहुंचाते हैं। और नीम ऑयल एक ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड है, और इसे यूज़ करिए। मैं भी इसे यूज़ करती हूँ। आप इस मेडिसिन का असर देखना फ्रेंड्स, कुछ ही दिन में आपके जो पौधे हैं वो खिल उठेंगे, उनकी फ्लावरिंग ज़्यादा होने लगेगी, क्योंकि उनमें जो बीमारियां हैं वो ख़त्म हो जाती हैं। इस केवल नीम ऑयल से ये बहुत ही
ज़्यादा असरदार होता है। ऐसे ही मैं सभी पौधों में डालती हूँ मोगरा के। हमेशा मेरे पास सैकड़ों फ्लावर्स रहते हैं और मैं पूजा में चढ़ाती हूँ और कई बार मैं गजर में भी यूज़ करती हूँ। तो फ्रेंड्स, ऐसे ही बने रहें, मेरी वीडियो को देखते रहें, मुझे अच्छा लगता है, मोटिवेशन मिलता है। वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, साथ में जो बेल आइकन है उसे ज़रूर प्रेस करें और मेरी वीडियो को ऐसे ही देखते रहें। ऑल के ऑप्शन को ज़रूर प्रेस करें फ्रेंड्स। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।